हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉकिट बेबीज़। आई एम सुनीता घोष। तो पेरेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी काम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बच्चों की डेली डाइट में इंक्लूड करते होगे ज़रूर, आई होप। तो वो है घर में बना हुआ शुद्ध देसी घी। यस, आप अपने घर में जो काऊ मिल्क लेते हो बच्चों के लिए, उससे जो है आप मलाई यूज़ करके घी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप स्टेप टू स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको घी मिलेगा। तो फटाफट से मैं घी के कुछ फ़ायदे बता दूं। आप सब जानते हैं कि 6 मंथ्स के बाद हम बच्चों के लिए फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वन ऑफ़ द फर्स्ट फूड्स जो कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को खिचड़ी दे रहे हो या दलिया बना रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ बना रहे हो, तो आराम से आप उसमें 1 चम्मच घी का मिलाइए और बच्चे को दीजिए। घी जो है वेरी इजी टू डाइजेस्ट होता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इट इज़ इजी टू डाइजेस्ट एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन, तो नो वे डिफिकल्ट फॉर द स्टमक टू डाइजेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि घी जो है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बेसिकली बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बच्चे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो ग्रो हो रहा है और ग्रोथ के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो चीज़ें घी उसको प्रोवाइड करती है। बच्चे के बॉडी को भी बहुत एक्टिव रखती है और बच्चे के हेल्थ या फिर वेट गेन में भी हेल्प करती है। तो अगर आप पूरा देखो तो प्रॉपर डेवलपमेंट में घी का एक बहुत अच्छा रोल है। घी आपके बच्चे को एक्टिव रखेगा, घी आपके बच्चे के वेट गेन में हेल्प करेगा, घी आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, घी आपके बच्चे का डाइजेशन अच्छा रखेगा, घी आपके बच्चे के खाने को टेस्टी बनाएगा। तो अगर इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना हम घी मार्केट से खरीदने की बजाय घर में बिल्कुल शुद्ध घी बनाएं और अपने बच्चे को दें। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, आप ईजिली फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए डॉकिट बेबीज। तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बना देती हूँ घर में घी बनाने के लिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है ये, यानी कि मलाई। तो ये है काऊ मिल्क से निकला हुआ मलाई और ये मैंने अराउंड 1 वीक का मलाई इकट्ठा किया है। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मलाई जो कि है। ये नॉर्मली मैं मलाई जब इकट्ठा करती हूँ तो इसको रखती हूँ फ्रीज़र में, और उसके बाद अगर आपको घी बनाना है तो आपको अराउंड 2-3 आवर्स पहले इसको बाहर निकाल के रख देना होगा, ताकि ये देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मलाई। उसके बाद आपको चाहिए एक बड़ा सा बर्तन जिसमें कि बेसिकली हम इस मलाई को हैंड ब्लेंडर के थ्रू बीट करने वाले हैं। तो आपको चाहिए एक बड़ा सा बर्तन, आपको चाहिए एक हैंड ब्लेंडर। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप फूड प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं, तो हैंड ब्लेंडर या फिर फूड प्रोसेसर। उसके अलावा आपको चाहिए एक कटोरी जिसमें कि जैसे ये स्टील की कटोरी मैं प्रेफर करती हूँ, जिसमें मैं पहले घी निकालूंगी। नॉर्मली मैं घी जो है वो कांच के बर्तन, मेरा एक ग्लास है उसमें स्टोर करती हूँ, बट पहले मैं इसमें निकालूंगी और उसके बाद जब घी ठंडा हो जाएगा तब मैं उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। इसके अलावा आपको चाहिए थोड़े से पीसेस ऑफ बर्फ। बहुत गर्मी है और हमें इसमें मिक्स करना होता है, जो मलाई है उसमें घी बनाते समय हमें मिक्स करना पड़ता है थोड़ा सा ठंडा पानी। तो ठंडा पानी का 1 ग्लास और मैंने बर्फ भी रखा है। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो सिर्फ ठंडे पानी से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप अगर गर्म जगह पे रहते हैं जैसे कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं आइस का भी यूज़ करूँगी। तो ये थे हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स। तो चलिए फटाफट से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मलाई जो है इसको इस बर्तन में ट्रांसफर कर देती हूँ। देखेंगे अगर आप तो ये मलाई का कलर जो है ये येलोइश है, और इसीलिए जो हमारा सबसे पहले मक्खन निकलेगा और मक्खन के बाद जो घी निकलेगा वो भी हमारा येलोइश कलर का होगा। गाय के मिल्क का यही एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जानने का, वो होता है कि जो गाय का दूध होता है वो येलो कलर का होता है। तो अगर आप गाय का दूध ले रहे हैं और वो येलो कलर का नहीं है तो फिर आई डाउट कि वो प्रॉपर गाय का दूध है या नहीं। तो ये है मलाई, दिस इज द अमाउंट ऑफ मलाई। और अगर आप डायरेक्ट इससे भी घी बनता है, मतलब मलाई को भी नॉर्मली अगर आप गैस पे चढ़ा दोगे तो उससे भी घी बन जाता है, लेकिन उससे जो अमाउंट ऑफ घी निकलता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं।
तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप ये वाला तरीका यूज करो. थोड़ा सा लेंदी है लेकिन जो इसका जो फ्रूट मिलता है आपको, यानी कि जो अमाउंट ऑफ घी मिलता है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पहला मेथड है. तो इसीलिए आप ये मेथड यूज करिए. तो आप देख सकते हैं कि जो मलाई है वो बहुत ही अच्छा, मतलब अभी थोड़ा लूज हो गया है. तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फ्रीजर में रखने के बाद आपको 2 से 3 घंटे इसको बाहर रखना है, तो वो चीज आप करिए. तो अभी ये बिल्कुल लूज हो गया है, अब हम इस पे ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं. अब मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी. तो सबसे पहले मैं इसमें ये जो मेरे अराउंड 5 to 6 क्यूब्स हैं आइस के, वो मैंने डाल दिया और मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला दिया. अभी मैंने हाफ ग्लास मिलाया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और मिलाऊंगी. तो बेसिकली अब हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे. मिलाने वाली हूं और मैंने ये पूरा ग्लास पानी इसमें मिला दिया है. अब फिर से ब्लेंडिंग स्टार्ट. ये अराउंड मुझे 5 मिनट्स हुए बीट करते हुए और आप देख सकते हो कि ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अब डिफरेंट हो गई है, कितना थिक क्रीम जैसा लग रहा है ये. तो अभी हम इसको और बीट करेंगे, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूं. अगर आप अभी देखोगे तो आपको पता नहीं, आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट धीरे धीरे देखिए ये जो थिकर मटेरियल है ये अलग होते जा रहा है और हल्का हल्का ना मिल्क जैसा आपको अलग होता हुआ दिखेगा. तो इस टाइम पे आपको समझ जाना है कि धीरे धीरे आपका मक्खन जो है वो बनना शुरू हो गया है. विद इन 2 मिनट्स आपका मक्खन जो है और आपका जो मिल्क जो है वो अलग हो जाने वाला है. जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए ये है मक्खन जो कि बाहर आ गया है, अलग हो गया है. और जो अंदर आपको दिख रहा है मिल्क जैसा, वो एक्चुअली मिल्क नहीं है, वो बटर मिल्क है. तो जी हाँ, बटर मिल्क को आप यूज कर सकते हैं छाछ बनाने के लिए. बहुत ही टेस्टी यमी सा, बस आपको थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाना है, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है और वो छाछ रेडी हो जाएगा. और जो ये साइड में बचा है ये है बिल्कुल ताजा फ्रेश मक्खन. मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो है वो ये मक्खन भी डायरेक्टली खाते हैं. तो जैसे पराठे वराठे के साथ ये मक्खन आप बच्चे को भी खिला सकते हैं या फिर खुद भी खा सकते हैं, और नहीं तो आप इसका घी तो बना ही सकते हैं. तो चलिए फटाफट से हम इस मक्खन को इस बटर मिल्क से अलग करेंगे. तो ये है मेरी कढ़ाई जिसमें मैं घी बनाने वाली हूँ. तो मैं जो मक्खन है इसमें से ये ऐसे ऐसे निकाल के, ये देखिए ये है बिल्कुल ताजा मक्खन. तो ये मैं निकाल के कढ़ाई में डाल दूंगी, बाकी जो बटर मिल्क है वो मैं इसी में रहने दूंगी. बाकी का जो बचा हुआ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पार्ट था तो वो मैं उसको इस तरह से छान ले रही हूँ. तो ये है जो हमारा जो मक्खन निकला है वो ये है. छाछ हमने अलग रख दिया है. तो ये है बिल्कुल फ्रेश मक्खन जो कि मैंने जैसे कि बताया कि आप इसको फ्रेश भी यूज कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो फ्रिज में और पराठे के साथ बच्चे को दे सकते हो, आप भी खा सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अ बटर बट यू नो देसी मक्खन टाइप, फ्रेश मक्खन. अब हम इससे बनाएंगे घी जो कि हमारे इस वीडियो का पर्पस था. तो अब हम बनाएंगे घी. मैंने इसको एक कढ़ाई में रखा है और अभी मैं पहले फुल हीट पे गैस ऑन करूंगी. पहले थोड़ा फुल हीट पे रखना है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बॉईल होने लगता है ना तब आपको जो है इसका हीट सिम पे कर देना है और फिर मलाई को बनने देना है. अब प्रोसेस जो है वो बहुत थोड़ा सा बच गया है. बहुत फटाफट से आपको घी मिलने वाला है, बिल्कुल घर का बना हुआ घी जो कि आप बिना किसी टेंशन के अपने बच्चे को दे सकते हो. और आपको पता है कि आप बिल्कुल घर का बना हुआ फ्रेश दे रहे हो. और प्लस क्या होता है कि जनरली ना घर में रखे रखे मलाई वेस्ट होती जाती है. अगर जैसे बहुत लोग मलाई खाते पीते नहीं है दूध के साथ, तो उस केस में क्या होता है कि मलाई वेस्ट होती रहती है. तो बेटर है कि उसको इस तरह से यूज किया जाए और बच्चों को घर का बना हुआ घी खिलाया जाए.
अभी मैंने गैस फुल पे रखी है, लेकिन जैसे ही ये पूरा बटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा सा बॉईल जैसा होने लगेगा तो मैं गैस को सिम पे कर दूंगी। बॉयल होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसको सिम पे कर दूंगी गैस को। धीरे धीरे आप देखोगे कि एक क्लियर सा लिक्विड आने लगेगा और ये जो रेसिड्यू है ये अलग होने लगेगा, मतलब व्हाइट व्हाइट कलर की जो चीज है वो अलग होने लगेगी और धीरे धीरे ब्राउन भी होना शुरू हो जाएगी और जो आपका घी है वो लिक्विड जैसा अलग होने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका घी जो है वो बिल्कुल बनने वाला है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान से हिलाते रहना है क्योंकि इसी टाइम ऐसा होता है कि वो जो रेसिड्यू है वो नीचे का जलता है और फिर घी जो है वो भी ऐसे हो जाता है। ये देखिए कितना क्लियर सा लिक्विड आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा घी जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ये मैंने गैस बंद कर दी है, रेसिड्यू जैसे कि मैंने आपको कहा था ब्राउन हो गया है नीचे का और हमारा जो घी है वो रेडी हो चुका है। अब हम जो है इसको छानेंगे और घी जो है वो निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब जो गर्मा गर्म घी है उसे मैं छानने वाली हूँ और ये जो मेरा बर्तन है इसमें मैं निकाल लूंगी। ये है घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध घी। देखिए अमाउंट मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी बड़ी कटोरी है और ये फुल भर गई है तो ये घी बन गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये बॉटल है, इसमें मिला है मुझे बटर मिल्क, तो इससे हम कढ़ी भी बना सकते हैं या फिर आप इसका छाछ बना सकते हो। तो उतने मलाई से इतना बटर मिल्क और इतना घी, आई होप कि आप समझ सकते हो कि कितना फायदेमंद है घर में घी बनाना बच्चों के लिए खास करके। तो ज़रूर हमारा ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अगर आपको पसंद आए तो हमें थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और देखते रहिए डॉकेट बेबीज, डॉकेट बेबी रॉक्स। बाय बाय।